हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि दिव्य अब उस माउंटेन पे पहुंच चुका होता है जहां पे एक मॉन्स्टर कोहराम मचा रहा था, कि तभी उसे पता चलता है कि ये उस डिमन के द्वारा बिछाया हुआ एक ऐसा इल्यूजन था जिसमें वो लोगों के डर का इस्तेमाल करता था। जैसे यहाँ दिव्य उस इल्यूजन को तोड़ता है, हम देखते हैं कि उस डिमन की जो मास्टर होती है वो एक मैजिशियन गर्ल होती है जो कि अपने मैजिक के 888 लेवल पे होती है और इसका नाम विविन होता है। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं विविन को जो उन सभी से डरते डरते कहती है कि ये जो डिमन है वो उसी के टीचर का एक पेट है जो उससे खो गया था और वो उसी को यहाँ ढूंढने आई है। जिस पे दुवे यहाँ उसे कहता है कि तुमने अपने इस हाई लेवल के डिमन मॉन्स्टर को यहाँ छोड़ दिया जिसने यहाँ काफी ज्यादा कोहराम मचाया, तो बताओ जब तुम इसकी केयर टेकर थी तो आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा। जिस पे यहाँ विविन उसे सॉरी कहने लगती है, तो यहाँ दुबे उसे कहता है कि सिर्फ सॉरी कहने से मेरे इन सिपाहियों ने जितने खून पसीना बगाया है इसकी भरपाई कैसे होगी। हाँ, विविन पूरी तरह से उसके भोलेपन का फायदा उठाता है उसे ये कहते हुए कि तुम्हारे इस छोटू से डिमन ने ये कोलाहल यहाँ मचाया है तो इसका हर्जाना भी तुम्हें ही भरना पड़ेगा, वरना तुम पुलिस को तो जानती हो कि पुलिस कैसे गलती करने वाले को सजा देती है। जिसपे यहाँ विविन उससे पूछ रही होती है कि आखिर ये पुलिस क्या होती है। फिर दुवे यहाँ उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाता है लेकिन वो खुद उसके क्विटनेस पे फ्लैट हो चुका था। जिसपे विविन यहाँ उसे डरते डरते कहती है कि क्यों ना वो उसके सोल्जर की इस तरह की भरपाई अपने पास जो चीजें हैं उन्हें देकर के कम्पेंसेट कर ले। इसके लिए सबसे पहले वो अपने मैजिकल बैग से एक वाटर जेम निकालती है जिसे देखते ही सोल्टा यहाँ ऐसा ललचाता है क्योंकि वो एक ऐसा जेम स्टोन होता है जिसके कारण वाटर मैजिक की पावर को इनहेंस किया जा सकता है। इसपे दुवे उसे लेने के लिए इनकार कर देता है क्योंकि उसके सोल्जर्स ने जो इतनी बड़ी हानि सही होती है ये उनके कम्पेंसेट करने के लिए काफी नहीं था। जिसपे विविन अब अपने मैजिकल बैग में रखे हर एक ट्रेजर्स को एक एक करके उसे निकालते हुए देती है, जिसमें सबसे पहले वो फायर बीट्स को निकालती है जिसे उसने खुद रिफाइन किया होता है। जिसपे विविन उसे कहता है कि ये मेरे लिए काफी नहीं है क्योंकि मेरी फीमेल नाइट जो इस तरह से घायल हुई उसकी इंजरी के क्या। जिसपे विविन उसके लिए फिर बहुत सारे मैजिकल कोर्स देती है। तो आगे दुवे उसे कहता है कि और उसका क्या जो मैं इतनी बुरी तरीके से तुम्हारे इस तरह से अपीयर होने से डर गया, उसकी भरपाई यहाँ पे कौन करेगा। जिसपे हम फिर से विविन को देखते हैं कि वो अपने बैग में से इंटरमीडिएट मैजिक को सीखने के लिए बहुत सारे मैजिकल स्क्रोल निकालती है। इसपे सोल्टा के लिए तो यहाँ पे चांदी ही चांदी थी क्योंकि वो इन सब चीजों को पाके बड़ा खुश था। लेकिन आगे जो दुवे होता है वो फिर से विविन को घूर कर देखने लगता है, जिसपे विविन कहती है कि मेरे पास बस इतना ही था। जिसपे दुवे अब यहाँ पे अगला पासा फेंकता है ये कहते हुए कि ये सारी चीजें जो तुमने अभी अभी दी है ये सारी मेरे सोल्जर को कम्पनसेट करती है लेकिन तुमने अब तक मुझे सेटिस्फाइड नहीं किया है। जिसपे दुवे उसे अब कहता है कि मेरी बस एक ही कंडीशन है। विविन लगातार उससे हिचकिचाते हुए कह रही होती है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो उसे दुवे कहता है कि मुझे तुमसे कोई मटेरियल कम्पनसेशन नहीं चाहिए क्योंकि मैं बस एक ऐसा नोबल मैन हूँ जिसे सिर्फ और सिर्फ मैजिशियन और मैजिक सीखने की तलब है। अब ये सुनते ही जो सोल्टा होता है यहाँ अजीब सा फेस बनाता है कि इतनी सारी मुझे पड़ताड़ना देने के बावजूद तुम कहते हो कि तुम मैजिशियन की इज्जत करते हो। आगे यहाँ दुवे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं मैजिक को सीखना चाहता हूँ और इसमें तुम मेरी मदद कर सकती हो अपनी थोड़ी बहुत गाइडेंस दे करके। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें बस इतना करना है कि मुझे कुछ एडवांस मैजिक स्पेल्स को सिखाना होगा। अब ये बहुत नामुमकिन सी बात होती है क्योंकि किसी भी मैजिशियन के लिए उसके जो मैजिक स्पेल होते हैं वो उसके लाइफ के समान होते हैं। यहाँ दुवे इसी चीज को मांग रहा होता है जिससे विविन काफी ज्यादा घबरा जाती है और उससे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके टीचर ने बताया था कि किसी भी दूसरे को अपने स्पेल्स नहीं दे सकते। जिसपे यहाँ दुवे फिर से उसे अपने शब्दों के जाल में फंसते हुए कहता है जिसपे यहाँ दुवे अपने लफ्जों के जाल में उसे फंसाते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे टीचर ने ये भी कहा था कि इस फैंटम मॉन्स्टर को इधर उधर छोड़ देना, फिर भी तो तुमने ऐसा किया ना, इसका मतलब है कि तुम खुद रूल्स को वायलेट कर रही हो। पर वैसे भी हमने तो यहाँ तुम्हारी इस छोटी सी चीज को जिसने इतना कोहराम यहाँ मचाया था उसे पकड़ने में तुम्हारी मदद की है, एज अ कॉम्पनसेशन के लिए तुम्हें मुझे मैजिकल स्पेल सिखानी ही होंगे। जिसपे यहाँ विविन इतनी भोली होती है कि वो उसकी इस कंडीशन को मान जाती है लेकिन यहाँ पे हकलाते हुए उसे कह रही होती है कि वो बस एक 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 ही स्पेल को सिखा पाएगी। तो यहाँ जो दुबे होता है उसे कहता है कि ठीक है, एक 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 मतलब तुम्हें मुझे 5 स्पेल सिखाने होंगे। जिसपे यहाँ जो विविन होती है फिर से उसे हकलाते हकलाते उसे कह रही होती है, तो यहाँ जो दुबे होता है वो टोटल गिन करके बता देता है कि अब तो तुम्हें मुझे 10 स्पेल सिखानी होंगी। अब यह बेचारी विविन तो रोने लगती है कि कहाँ फंस गई मैं इस नोबल मैन के झांसे में। इसमें यहाँ दुबे उसके सिचुएशन को जानते हुए उस पर यह आसानी करता है कि एक तो बहुत कम होगा लेकिन तुम बीच का रास्ता अपना सकती हो, मुझे 10 नहीं तो कम से कम 6 मैजिक स्पेल्स को सिखानी होंगे।
जिस पे यहाँ पे जो विविन होती है वो हिचकिचाते हुए मान तो जाती है, लेकिन बेचारी ये डर रही होती है कि क्या इसे रियल वर्ल्ड में सारे के सारे लोग इसी नोबल मैन की तरह स्केरी होते हैं। इस मैटर को उसे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करके अपने मैजिक वर्ल्ड में वापस जाना होगा, और वापस जा करके वो यहाँ कभी नहीं आएगी, ऐसा डिसाइड करते हुए वो उसकी कंडीशन को मान जाती है। जिसमे यहाँ दुए भी उसे सोचने के लिए टाइम देता है क्योंकि अब रात हो चुकी थी। ये लोग सिटी की तरफ जा रहे होते हैं तो यहाँ विविन से भी साथ चलने को कहते हैं कि तभी वहाँ अचानक से उन पे कोई हमला करता है। यहाँ विविन अपनी मैजिक का यूज करके इसके अटैक को रोकती है, और हमें पता चलता है कि ये विविन की ही बड़ी बहन होती है जो यहाँ पे उस फैंटम डिमन के लिए आई थी, क्योंकि वो उसके हॉर्न को किसी भी हालत में उनसे पाना चाहती थी। एक और मैजिशियन को देख के ये लोग सारे हक्के बक्के रह जाते हैं। यहाँ जो रॉबर्ट होता है फिर से उसके आने का यहाँ पर्पस पूछता है, जिसपे यहाँ उसकी जो बहन होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे रॉयल फैमिली से नहीं डरने वाली। आगे वो ऐसा अटैक रॉबर्ट पे करती है कि वो वहीं घायल हो जाता है, जिसे देख के विविन उसे कहती है कि वो नहीं चाहती कि यहाँ पे कोई हर्ट हो। जिस पे उसके सिस्टर उसे बोलती है कि अगर तुम नहीं चाहती कि कोई यहाँ पे हर्ट हो तो उस फैंटम डेमन को मेरे हवाले कर दो, जैसे मैं इसको सींग को निकाल लूंगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जिस पे विविन उसे कहती है कि तुम जोजो को नहीं मार सकती क्योंकि हमारे टीचर ने इसका ख्याल रखने के लिए हमें दिया था। जिस पे उसकी सिस्टर उसे चिल्लाते हुए कहती है कि मैं उस बुढ़े से नहीं डरती, मैं उससे तो क्या इस वर्ल्ड में किसी से भी नहीं डरती। होगा उस मैजिक वर्ल्ड का बहुत बड़ा मैजिशियन और जिसे सभी डरते होंगे, लेकिन मैं उससे नहीं डरती। ये हम यहाँ दो मैजिशियन की एक यूनिक सी चेज को देखते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। बाकी हम देखते हैं यहाँ विविन के काफी ज्यादा मानने करने के बावजूद भी जो उसकी सिस्टर होती है वो एक ऐसे फॉरबिडन मैजिक का यूज करने वाली होती है। विविन इस मैजिक को यूज करने से मना कर रही होती है, जिसपे वो इसकी एक नहीं मानती, और हम देखते हैं कि वो अपने मंत्र का जाप शुरू कर देती है। ये देखते ही जो विविन होती है वो दुवे से कहती है कि जल्द से जल्द तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जैसे ही दुवे वहाँ से भागने वाला हुई होता है कि हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर उसे कैप्चर कर लेती है। यहाँ वो अब विविन को उस दुवे को लेकर के धमकी दे रही होती है कि लगता है कि तुमने अपने लिए कोई लवर ढूंढ लिया है, और इस नोबल मैन की जोड़ी तुम्हारे साथ अच्छी रहेगी, तो तुम ये नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे इस लिटिल लवर को छोड़ दूं, तो जल्द से जल्द उस डेमन को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे ये जो लिटिल लवर है वो मेरे पेट का खाना बन जाएगा। इस पे यहाँ दुवे उसे टोकते हुए कहता है कि एक्सक्यूज मी, मैंने काफी दिनों से नहीं नहाया है तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पेट का पेट खराब हो जाएगा। इस पे वो उसे चुप कराती है और आगे एक बहुत बड़े आइसबर्ग के ऊपर उसे फेंक देती है, ये कहते हुए कि तुमने अपनी जिंदगी का आखिरी और पहला ड्रैगन अब देखोगे। जैसे ही वो आइसबर्ग वहाँ टूटता है हम एक बहुत बड़े ड्रैगन को अपीयर होता देखते हैं। जैसे ही वो ड्रैगन यहाँ पे दुवे पे अटैक करने वाला होता है कि हम विविन को देखते हैं जो कि अपने मैजिकल वॉन्ड का यूज करते ही एक ऐसा मंत्र पढ़ती है कि वो तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। इससे सभी हैरान रह जाते हैं कि आखिर वो तीनों गए कहाँ। यहाँ पे रॉबर्ट जो होता है उन्हें ढूंढने के लिए चारों तरफ अपने सैनिकों को फैला देता है इसी मिस्ट्री के साथ कि आखिर वो लोग किस जगह पे चले गए हैं। ये एपिसोड हमारा यही होता है फिनिश, और आगे ये सीरीज बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है गाइस, तो इसे कंटिन्यू रखिए देखना। बहुत ही जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी मेरी इस आवाज की इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।